अब हम नॉर्मैलिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मोलैरिटी और मोलैरिटी के बारे में पढ़ा था। नॉर्मैलिटी का कंसेप्ट भी केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हम नॉर्मैलिटी किसे कहते हैं। सो नॉर्मैलिटी इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। अगर जो जितने ग्राम इक्विवेलेंट्स जो हैं वो पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड हैं वो उस सॉल्यूशन की नॉर्मैलिटी कहलाएगी। अगर एक ग्राम इक्विवेलेंट एक लीटर में घुला हुआ है तो वो हमारा नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम NaOH का लें, 40 ग्राम्स इसका इक्विवेलेंट वेट होता है और इसको हम एक लीटर में घोल दें तो ये NaNaOH सॉल्यूशन कहलाएगा। तो जिस प्रकार से हमने मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा था उसी प्रकार से हम नॉर्मैलिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो वो क्या हो जाएगा, जो आपकी WA अपॉन EA इंटू 1000 अपॉन B इन ML। यहाँ पर WA जो है वो क्या है, जो आपका सॉल्यूट है उसका वेट है। EA जो है वो इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट का है और V जो हमारा वॉल्यूम है इन ML। ठीक है, तो बच्चों अगर हमको इसमें से क्या निकालना है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अगर मेजर करना है तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाता है, नॉर्मैलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट इनटू V इन ML अपॉन 1000। तो ये फॉर्मूला हमको कोई भी अगर सॉल्यूशन बनाना है, हमें बताया जाता है कि n बाय 50 सॉल्यूशन बनाना है, किसका बनाना है, NaOH का बनाना है, कितना बनाना है, 500 ml बनाना है। तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितना NaOH जो है वे करना होगा और बिल्कुल एक्यूरेट वेइंग के बाद हम उसका सॉल्यूशन जो है बनाते हैं। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करके देखें कि हमको n बाय 50 सॉल्यूशन बनाना है NaOH का 500 ml में, तो हम कैसे बताएंगे बच्चों, नॉर्मैलिटी कितनी है, n बाय 50 है, मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों NaOH का कितना होता है, 40 होता है, हमको कितना बनाना है, 500 बनाना है। तो ये हमारा 1/2 हो गया, 0 0 कट गया, 2 2 4 हो गया और ये आपका आ गया 2/5। ठीक है, तो इतना हमारी ये जो है इसकी क्या आ गई, ग्राम्स आ गए। इतने ग्राम्स जो है आप NaOH के तोलोगे और हमारा कैसा स्टैंडर्ड वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कौन सा लोगे, 500 ml का स्टैंडर्ड फ्लास्क या वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसको बोलते हैं, इसमें आप कितना आपका 2/5 कितना हो गया, 0.4 ग्राम्स जो है आप 500 ml में घोल लोगे। तो पहले आप उसको ट्रांसफर कर दोगे 0.4 ग्राम को और वाटर के साथ उसको डिसॉल्व कर दोगे और फिर मेकअप कर दोगे। यहाँ तक अपन पानी जो है वो डायरेक्ट डालते जाते हैं शेकिंग के साथ और लास्ट में जो है हमने आपको पहले भी बताया था कि बिल्कुल सही सॉल्यूशन अगर मार्क तक भरना है अपने को सॉल्वेंट तो हम पिपेट का यूज करते हैं। बच्चों आपको पता है पिपेट क्या होती है, पिपेट जो है वो इस प्रकार से एक एपरेटस है जिसको कि आप बीकर में जो सॉल्यूशन है वो ले लेते हैं और फिर इसको हम जो है सक करते हैं यहाँ से और सक करने के बाद वहाँ पर हम थंब उसके ऊपर रख देते हैं, फिंगर रख देते हैं उसको प्रेशर मेंटेन करने के लिए और फिर धीरे धीरे उसका जो लेवल है वहाँ तक उसको ले आते हैं। ठीक है, तो पिपेट से आप थोड़ा सा ड्रॉप वाइज अगर यहाँ पे डालोगे तो बिल्कुल आपका सही मेजरमेंट आएगा और सही आप पानी भर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा भी अगर ऊपर डल जाता है तो वो आपका सॉल्यूशन सही नहीं कहलाता।
तो इस प्रकार से हम अगर हमको पता है कि किस स्ट्रेंथ का या किस नॉर्मलता का बनाना है और कितना आयतन उसका कितना वॉल्यूम लेना है, तो हम आराम से सॉल्यूशन जो है किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉल्यूशन रिएजेंट का बना सकते हैं। अब बच्चों बात आती है कि इसमें ये ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं। अभी तक हमने मोल्स की संख्या पढ़ी थी, मोल्स आपको पता है, मोल्स किसके बराबर हमने लिखे थे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, जो हमारा सॉल्यूट का वेट ऑफ द सॉल्यूट है उसको अगर हमने किससे डिवाइड कर दिया था, मॉलिकुलर मास से, मॉलिकुलर वेट से आपने डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अब यहाँ पर हमारी दूसरी चीज़ आई है ग्राम इक्विवेलेंट। तो बच्चों ये ग्राम इक्विवेलेंट जो है ये क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला था उसमें डब्ल्यू ए अपॉन ई ए जो है ये आपके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको इक्विवेलेंट वेट चाहिए, इक्विवेलेंट वेट चाहिए हमको, है ना। तो इक्विवेलेंट वेट जो है हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके पीछे क्या केमिस्ट्री है वो हमको पढ़नी है, ठीक है। नंबर ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमको निकालने के लिए जो है इक्विवेलेंट वेट चाहिए और हम देखेंगे फाइनली कि जो इक्विवेलेंट वेट है आपका वो किसके बराबर, इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसके बराबर आ जाता है आपका, मोलैरिटी इनटू एक्स फैक्टर, एक फैक्टर एक्स फैक्टर जिसको हम बोलते हैं जो कि क्या है, वैलेंसी फैक्टर है, उससे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके इसको मोलैरिटी को, तो हमारा वो क्या आ जाता है, इक्विवेलेंट वेट आपका आ जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले हम एसिड्स के लिए देखेंगे कि हम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो बच्चों आपका अगर हम फर्स्ट एग्जांपल लें HCl, दूसरा एग्जांपल लें H2SO4 और तीसरा एग्जांपल लें H3PO4 H3PO3। तो फर्स्ट केस में पहली बात हमारा जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट वेट का क्या है, इट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन द एक्स फैक्टर दैट इज द वैलेंसी फैक्टर। तो एसिड्स के केस में ये हमारी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी हो जाएगी। और बेसिसिटी क्या होती है बच्चों, बेसिसिटी हम किसको कहते हैं, इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस फर्निश्ड इन द सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन में वो हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा वो उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। तो यहाँ पर आपकी बेसिसिटी कितनी है, 1, ठीक है। तो आपका इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट के। अब हम H2SO4 का केस देखें तो यहाँ पर आपकी बेसिसिटी कितनी है, 2 हाइड्रोजन आयन्स है, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2, ठीक है। इसलिए H2SO4 का हमारा क्या हो जाता है, 98/2 दैट इज 49, और HCl भी सेम रहता है। अब हम एग्जांपल लें H3PO4 और H3PO3 का। तो बच्चों यहाँ पर दोनों में आपने को क्या देखने को मिल रहा है कि H3 आयंस है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस कितने फर्निश हो रहे हैं, मतलब हमको देखने को 3 हाइड्रोजन आयंस ही दिख रहे हैं, पर ऐसा है नहीं। तो हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो हम जिस रिएजेंट को ले रहे हैं उसका स्ट्रक्चर भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों जैसे H3PO4 का हम एग्जांपल लें तो वहाँ पर हमारा जो स्ट्रक्चर होता है
वो कैसा होता है? इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से थ्री हाइड्रोजन आयंस जो है वो निकल सकते हैं। तो इसकी जो बेसिसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करेंगे तो वो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय थ्री हो जाएगा। पर अगर हम H3PO3 का एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है बच्चों? दैट इज OH, OH, H3 और ये आपका तो यहाँ पे ये दोनों तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन आयन्स जो हैं ये तो निकल जाएंगे, पर ये हाइड्रोजन जो है डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ बाउंड है तो ये जल्दी से नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर जो बेसिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? टू हो जाएगी। तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टू। तो इस तरह से हमें कोई भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमें जिस भी रिएजेंट का निकालना है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब बच्चों हम आगे अगर देखें तो ये जो एग्जांपल्स है आपके एसिड्स के, इसी प्रकार से हमको कहा जाए कि भाई बेसिस जो है उनके भी इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो एग्जांपल के तौर पर सबसे इजी जो हम एग्जांपल लेते हैं NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारा इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी। और एसिडिटी क्या होती है? जितने हाइड्रोक्साइड आयन्स वो पनिश करेगा सोल्यूशन में। तो बच्चों NaOH के केस में सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू द मॉलिकुलर वेट, क्योंकि एक ही है तो ये सेम रहेगा, यानी कि 40 ग्राम्स जो है वो उसका मॉलिकुलर वेट भी है और इक्विवेलेंट वेट भी है। अब हम अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लें तो यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश हो रहे हैं, इसलिए इक्विवेलेंट वेट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टू। और इसी तरह से अगर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं तो दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय थ्री, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बेसिस का अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये तो लिखा ही नहीं है, ये तो मतलब हमें पता ही नहीं है। आपको मॉलिकुलर वेट जो है वो हम डायरेक्टली अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, NaOH का कितना है, NaOH हर एक जितना जो भी आपके रिएजेंट्स हैं उनका मॉलिकुलर वेट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, 23 + 16 + 1, है ना। तो इस प्रकार से हम उनको इतनी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए कि उसकी एसिडिटी क्या है तो हम निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ें कि अगर हमारे पास सॉल्ट्स हैं, सॉल्ट्स का एग्जांपल बच्चों NaCl है, कोई भी जो एसिड और बेस के साथ मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। तो उनका अगर हमको क्या निकालना है? हमको उनका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, किसका? सॉल्ट्स का। तो हम कैसे निकालेंगे? तो एग्जांपल आपका NaCl है, Na2SO4 है, ठीक है ना, Na2CO3 है, कोई भी अगर हम सॉल्ट लेते हैं उसका हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम NaCl ले रहे हैं तो उसमें जो पॉजिटिव जो आयन है आपका कैटायन, उसके ऊपर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है? 1 है। अगर हम Na2SO4 ले रहे हैं तो वहाँ पे ये 2Na+ निकालेगा तो चार्ज क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। Na2CO3 में भी यही हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा NaCl में? इट विल बी इक्वल टू द मॉलिकुलर वेट। और बच्चों NaCl का मॉलिकुलर वेट कितना होता है?
23 प्लस 35.5 तो कितना हो गया, इट विल बी 58.5। तो वही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा। और अगर हमको Na2SO4 दैट इज सोडियम सल्फेट इसका निकालना है तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे, मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मॉलिक्युलर वेट बच्चों बताइए क्या होगा, Na 23 है इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, तो आपका ये कितना हो गया 46, 32 और 64, तो 12, 1, 6, 4, 10, 13, 14, तो दिस विल बी 142 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 70। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्ट का क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं अगर हमें क्या पता है जो कैटायन है उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या है। बच्चों एनायन का भी वही रहेगा क्योंकि जो है सॉल्ट आपका जो है न्यूट्रल मतलब प्लस चार्ज इज न्यूट्रलाइज बाय इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, तो जितने आपके प्लस चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो वो एक ही बात रहेगी। पर हम इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं। अब बच्चों आगे हम देखें कि हमारे पास अगर रिडॉक्स सब्सटेंसेस है, कैसे सब्सटेंस है, रिडॉक्स सब्सटेंस है, आपको उदाहरण पता है रिडॉक्स सब्सटेंस कौन से होते हैं, TMnO4 होता है, K2Cr2O7 होता है, जो कि रिड्यूसिंग, रिडॉक्स नाम कहाँ से आया, रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग है ना, मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ये दोनों काम करते हैं, रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इनमें अगर हमको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर लॉस और गेन ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर है, जो एक्स फैक्टर है, वो क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन हुए हैं या लॉस्ट हुए हैं रिएक्शन में, उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो एग्जांपल के तौर पर हम K2Cr2O7 देते हैं तो उसमें इट विल बी मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन है ड्यूरिंग द रिएक्शन वो पर क्रोमियम जो है 3 होता है प्लस 3, तो क्योंकि दो क्रोमियम है तो 6 हो जाएगा। इसी तरह से KMnO4 में इट विल बी मॉलिक्युलर वेट डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरह से हम रिडॉक्स पदार्थों का भी क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ नॉर्मैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई दिस कंसेप्ट ऑफ नॉर्मैलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं केमिस्ट्री में, तो इसके लिए हम कहते हैं कि हम कोई भी रिएक्शन अगर लिखते हैं, सपोज N2 प्लस H2 गिव्स यू NH3, ठीक है, हमसे पूछा जाए कि भाई इसके कितने मोल्स जो हैं वो रिएक्शन में भाग लेते हैं, कितने मोल नाइट्रोजन के, कितने मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कितने मोल अमोनिया दे रहे हैं, तो ये हमको पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करनी पड़ेगी, हमको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, N2 प्लस 3H2 गिव्स यू 2NH3, फिर हम बोल सकते हैं कि इसका 1 मोल इसका 3 मोल गिव्स यू 2 मोल्स। पर अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट्स की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट में हम कहते हैं कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस टू गिव 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस, इसमें हमको कोई मोल्स ना देखने की वो जरूरत नहीं है, मॉलिक्युलर मास देखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा जो है ये चीज हमें पता है और ये प्रूव्ड है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्टेंट्स का जुड़ के हमको प्रोडक्ट्स देता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, अगर हम रिएक्शन करवाएं इसके बीच में H2SO4 और NaOH के बीच में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, तो H2SO4 प्लस NaOH, तो
ये हमको क्या मिल जाएगा, इट विल गिव यू Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, तो वापस से अगर हमसे कहा जाएगी कि हाउ मेनी मोल्स, तो वहां पर हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। पर बिना बैलेंस के भी हम कह सकते हैं कि इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करेगा विदाउट सीइंग एनीथिंग, एंड वी कैन प्रूव दिस दैट दिस इज ट्रू। हाउ, क्यों, इसको आप बैलेंस करिए तो आप इसका क्या हो जाएगा, 2Na और यहाँ पर आपका Na2SO4 हो गया, यहाँ पे आपका 2H2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि H2SO4 के कितने मोल्स हैं, 1 मोल है, इसके कितने मोल्स हैं, 2 मोल है। ठीक है, और इससे आपको 1 मोल मिल रहा है और इसके 2 मोल मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बच्चों, अब हम ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट थे उनकी वैल्यू क्या थी, वो किसके बराबर होता है, मोलैरिटी इनटू द आपका वैलेंसी फैक्टर, जिसको कि हमने x से डेजिग्नेट किया है। तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए इस केस में, H2SO4 के लिए मोलैरिटी इसकी क्या है, आपके मोल्स, नंबर, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे आपके मोल्स की संख्या कितनी है, 1, और इसकी वैलेंसी फैक्टर 2 हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा तो 2 हो जाएगी। ठीक है, आप इसके लिए आप देखिए यहाँ पे आपका कितने मोल्स है, मोल्स की संख्या 2 है और इसका जो एक्स फैक्टर है वो Na जो है 1+ आयन देता है आपको, 1 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो 2×1, तो इस तरह से दोनों जो है बराबर है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ग्राम इक्विवेलेंट, तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करके इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट से और ये हमको प्रोडक्ट देता है। तो इस तरह से ये जो नॉर्मेलिटी वाला फैक्टर है, नॉर्मेलिटी वाला कंसेप्ट है ग्राम इक्विवेलेंस का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। थैंक यू।